अब कोरोना से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बताने जा रही। हिमाचल में कोरोना की रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही। बीते 24 घंटों के आंकड़े आपको बताएंगे। बीते 24 घंटों में प्रदेश में 400 से ज्यादा केसेस सामने आए हैं, 498 नए केसेस। अब राज्य में एक्टिव केसेस का आंकड़ा जिससे पहले 1200 के पार था, अब 1600 को पार कर चुका है। 1655 नए अब प्रदेश भर में केसेस एक्टिव हैं और कांगड़ा में सबसे ज्यादा 608 मामले सक्रिय है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और 6910 लोगों की दरअसल टेस्टिंग हुई थी और इसमें से जो केसेस हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बीते 24 घंटों में 498 यानी कि 500 के करीब केसेस सामने आए हैं। और एक्टिव केसेस की संख्या की अगर बात करें यानी कि सक्रिय मामले, अब 1655 लोग हिमाचल प्रदेश में अभी भी कोरोना से जंग लड़ रहे हैं। कांगड़ा की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा कांगड़ा जिला प्रभावित है। कांगड़ा जिले में सबसे ज्यादा सक्रिय मामले हैं, 608 केसेस एक्टिव कांगड़ा जिले में। और हिमाचल में कोरोना की रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही है। एक्टिव केसेस का आंकड़ा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। अनूप धीमान हमारे संवाददाता इसी खबर पर जानकारी विस्तार से देंगे। अनूप, कांगड़ा जिले में सबसे ज्यादा प्रभाव देखा जा रहा है संक्रमण का, और क्योंकि टूरिस्ट डेस्टिनेशन है भी नहीं, उसके बावजूद भी केसेस लगातार बढ़ते जा रहे, कारण क्या? देखिए महिमा, ये बहुत अहम बात है क्योंकि बेशक टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं है, लेकिन फिर भी मैक्लोडगंज, बीड़, बिलिंग, ये इन इलाकों में लोग आ रहे हैं। दूसरा जो सबसे चिंताजनक बात है कि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वहां पर केसेस आ रहे हैं। ये इसलिए है क्योंकि पड़ोसी राज्यों में केसेस लगातार बढ़ रहे हैं और ये रफ्तार जो कांगड़ा में पिछले 3 दिन की रफ्तार आप देखेंगे तो मैं पिछले 3 दिन के आंकड़े आपको बताऊं महिमा, तो 3 दिन पहले जो है वो 104 केसेस एक ही दिन में आए थे, परसों जो है वो 136 केस एक ही दिन में आए और कल 170 केस जो है वो एक ही दिन में आए। मैं पिछले 10 दिन पहले की बात करूं तो 80 एक्टिव केस जो है वो जिला कांगड़ा में थे, लेकिन आज की बात करें तो 608 केस जो है वो जो एक्टिव केसेस हैं वो 608 हो गए हैं। तो ये कहीं ना कहीं आंकड़ा जो है वो डरा रहा है क्योंकि हर दिन जो है वो मामले बढ़ रहे हैं। मैं नगरोटा की बात करूं तो इंजीनियरिंग कॉलेज में कल के दिन में ही 36 बच्चे जो है वो पॉजिटिव आए हैं। तो ये बल्क में एक ही जगह पर केसेस जो आ रहे हैं और ये सिलसिला मुझे लगता है महिमा अभी बढ़ेगा क्योंकि जिस हिसाब से ये केसेस जो एक्टिव केसेस बढ़े हैं या पॉजिटिव आने के केसेस बढ़े हैं उनकी जो जो कॉन्टैक्ट हिस्ट्री है उनकी ट्रेसिंग होगी, वहां टेस्टिंग होगी। अभी ये क्योंकि केसेस बढ़े हैं तो टेस्टिंग बढ़ेगी और टेस्टिंग बढ़ेगी तो मुझे लगता है क्योंकि क्योंकि मौसम भी वैसा है तो इस तरह से जो यहाँ पर केसेस जो है वो जिला कांगड़ा बढ़ सकते हैं। एक बार फिर जो है वो जिला कांगड़ा में कोरोना की रफ्तार जो है वो पूरी तरह से फुल स्लग में है, फुल इसमें है। और दूसरी तरफ मैं महिमा ये भी कहूंगा क्योंकि जिला कांगड़ा में भी रिस्ट्रिक्शन जो है वो कल से लागू कर दी गई है, बहुत सारी चीजें जो है वो उनके ऊपर बंदिश हैं जो है वो जैसे पूरे हिमाचल प्रदेश में निर्णय किया था उसी हिसाब से जो है वो जिला कांगड़ा में भी ये रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं। और महिमा में बताना चाहूंगा क्योंकि हिमाचल प्रदेश में सबसे पहला केस जो है कोरोना का आया था तो 2020 में, तो वो कांगड़ा में आया था। और मुझे लगता है कि जो रफ्तार जो है वो जिला कांगड़ा में अभी इन केसेस के पॉजिटिव केसेस आने की बड़ी है, मुझे लगता है कि पूरे हिमाचल प्रदेश से पहले जो है वो जिला कांगड़ा को संभालना पड़ेगा और मुझे लगता है कि बहुत जल्द जिला कांगड़ा में रिस्ट्रिक्शंस बढ़ जाएंगी। अगर यही रफ्तार जो है वो पॉजिटिव केसेस आने की रही तो मुझे लगता है कि जिला प्रशासन जो है वो अपने स्तर पर और बंदिशें जो है वो जिला कांगड़ा में लगा सकता है। जी महिमा, आपने बिल्कुल सही कहा कि सबसे पहले कांगड़ा जिला को संभालना होगा क्योंकि बहुत बड़ा जिला है, इसके बावजूद भी यहाँ पर केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अनूप धीमान, और प्रशासन से ये जानना चाहेंगे, आपसे जानना चाहेंगे कि प्रशासन की तरफ से जो नियम बनाए गए हैं, नाइट कर्फ्यू लागू किया गया, क्या लोग उसका पालन करते हुए नजर आए? देखिए फिलहाल नाइट कर्फ्यू की बात करूं महिमा तो नाइट कर्फ्यू बहुत अहम नहीं माना जा सकता क्योंकि इतनी ठंड है क्योंकि लोग वैसे ही 7 और 8 बजे के बाद वैसे ही घर से नहीं निकल रहे हैं और सुबह 7 बजे तक जो है वो लोग जो है वो बाहर नहीं निकलते हैं इन दिनों में। लेकिन फिर भी क्योंकि नाइट कर्फ्यू के साथ साथ बहुत सारी चीजें, चाहे लंगर की बात करूं क्योंकि माँ चामुंडा देवी में लंगर लगता था, ज्वालामुखी में लंगर लगता था, ये लंगर जो है वो बंद कर दिए गए हैं। दूसरी और जो जो मैरिजेस अभी क्योंकि 13 जनवरी के बाद मैरिजेस का सिलसिला शुरू हो जाएगा उसमें रिस्ट्रिक्शंस होंगी। उसके अलावा बड़ी सारी जो गैदरिंग्स होती हैं, चाहे जिम की बात करूं वहाँ जिम बंद कर दिए गए हैं, ये इस तरह की जो जो इंडोर स्टेडियम्स है वो बंद कर दिए। तो ये रिस्ट्रिक्शंस लगाने का मतलब सिर्फ यही है कि किसी ना किसी तरीके से ये जो रफ्तार बढ़ रही है वो जिला प्रशासन कोशिश कर रहा है कि पहले इसी तरीके से देखा जाए कि ये केसेस जो हैं वो कंट्रोल में आ जाए। अगर ये परिस्थितियां नहीं संभलती हैं महिमा तो मुझे लगता है कि जिला प्रशासन को जिला कांगड़ा में जो वो
सख्त निर्णय करने पड़ेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा जिला है पूरे हिमाचल प्रदेश का, 1/4 जो है वो जिला कांगड़ा है और बहुत बड़ा जिला है। और अगर यहाँ पर अगर कंट्रोल परिस्थितियां कर ली जाएंगी तो मुझे लगता है कि पूरे प्रदेश में आराम से जो है वो परिस्थितियां कंट्रोल कर ली जा सकती है। जी महिमा जी, आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि इस वक्त हमारे साथ ब्यूरो चीफ विकास शर्मा भी जुड़े हुए हैं फोनलाइन पर, पूरे हिमाचल की जानकारी इनसे विस्तार से लेते हैं। विकास, अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें तो कोविड के केसेस लगातार अब बढ़ते जा रहे हैं, एक्टिव केसेस की संख्या जो 1200 थी, आपने भी जानकारी दी थी, आज 1600 के पार जा पहुंची। बिल्कुल, देखिए, और चिंता स्वाभाविक रूप से जो है वो बढ़ने वाली है, क्योंकि अगर हम पिछले 3 दिन की अगर हम बात करें महिमा, तो 3 दिन के अंदर 5 गुना केसेस जो है वो बढ़े हैं, यानी कि संक्रमण का खतरा जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और जिस तरह से हम बीते 3-4 दिन से लगातार बता रहे हैं कि अगर अभी संभले नहीं तो आने वाले दिनों में चुनौतियां और बढ़ जाएंगी, और ये वो दिन दूर नहीं होगा जब दूसरी लहर या पहली लहर की तरह जो है वो केसेस अब सामने आने शुरू हो गए हैं। लेकिन इस बार बहुत ही तेजी के साथ केसेस जो है वो बढ़ रहे हैं, रोजाना 250 से 350 मामले जो हैं वो सामने आ रहे थे, और अब ये मामले जो हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, 5 गुना केसेस जो हैं वो बढ़ चुके हैं, और ऐसे में चिंता जरूर बढ़ रही है, अभी अगर नहीं संभले तो आने वाले दिनों में चुनौती बढ़ जाएगी। लेकिन सबसे ज्यादा मामले जो हैं अगर हम पिछले दिनों की अगर हम बात करें तो कांगड़ा, शिमला, सोलन, ऊना, ये तमाम जो जिले हैं यहाँ पर एक हफ्ते से लगातार मामले जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में जो रिकवरी रेट है हिमाचल प्रदेश का वो भी 19.59% जो है वो यहाँ पर इस समय परसेंटेज वाइज अगर हम बात करें तो वो इस समय यहाँ सामने आ रहे हैं। 30 दिसंबर से ये मामले जो है इनमें उछाल देखा जा रहा था, और बहुत ही ज्यादा उछाल जो है वो आज तक ये उछाल जो है वो यहाँ पर देखा गया। और अगर संक्रमण दर की अगर हम बात करें बीते एक हफ्ते के अंदर तो 2.80% जो है ये दर्ज किया जा रहा है, और ऐसे में निश्चित रूप से डराने वाले आंकड़े जो है वो सामने आ रहे हैं। हालांकि सबसे बड़ी राहत ये है कि इसमें मौतें जो है वो पिछली जो दो लहरें हमने देखी है, पहली लहर और दूसरी लहर की तरह, उतनी मौतें जो है अभी नहीं हो रही हैं, तो ये बहुत बड़ी इस समय जो है वो चिंता की बात नहीं है। लेकिन आने वाले समय में कहीं परिस्थितियां बिगड़ ना जाए, इसको लेकर लगातार राज्य सरकार जो है वो काम कर रही है, स्वास्थ्य विभाग काम कर रहा है, नाइट कर्फ्यू समेत कई बंदिशें जो है वो लगाई जरूर गई हैं। लेकिन अब 30 दिसंबर के बाद से, क्योंकि हमने देखा क्रिसमस जो है वो गया, न्यू ईयर जो है वो गया, कई तरह के समारोह जो हैं, बड़े समारोह जो हैं हिमाचल प्रदेश में हुए हैं, हो सकता है बड़ी वजह है, जानकार ये भी कहते हैं कि बड़ी वजह यही है कि जो इतनी बड़ी गैदरिंग जो है वो हिमाचल प्रदेश में हुई है उसके बाद ही इस तरह से परिस्थितियां जो है वो आज बिगड़ रही हैं। आने वाले दिनों में हालात शांत होते नजर नहीं आ रहे हैं, और तैयारी जो है इस बाबत की जा रही है, और ये भी दिन दूर नहीं होगा कि आने वाले दिनों में बंदिशें और बढ़ सकती है। ठीक है, बंदिशें और ज्यादा बढ़ सकती है। विकास, आपने विस्तार से जानकारी दी, बने रही हमारे साथ, क्योंकि एक सवाल अनूप धीमान से भी ले लेते हैं। अनूप, कांगड़ा की अगर बात करें तो यहाँ पर सबसे ज्यादा केसेस बढ़ रहे हैं, आपने भी जानकारी दी, विकास ने भी जानकारी दी, अब नए वेरियंट को लेकर लोग किस तरह से जागरूक है? देखिए महिमा, अगर मैं 3 दिन पहले की बात करूं तो लोगों में अभी तक, मैं जो शहरों की बात करूं तो जो वो भय अभी मैंने नहीं देखा है, लोग उसी तरह से निकल रहे हैं जैसे रोजाना लाइफ, जो रूटीन लाइफ में बाजारों में जाते हैं, शहरों में जाते हैं। लेकिन ये जो 3 दिन के में केसेस पड़े हैं, अब लोगों को ये समझने की बहुत अहम जरूरत है, लोगों को चाहे मास्क की बात करें या हैंड सैनिटाइज करने की बात करें या सोशल डिस्टेंसिंग बात करें, तो ये पालन करना अब बहुत जरूरी हो गया है। अगर आप इन तीनों चीजों का पालन नहीं करते हैं तो मुझे लगता है कि संक्रमण दर जो है वो जिला कांगड़ा की बात करूं तो लगातार बढ़ेगी, क्योंकि जिस तरह से 3 दिन में, लगभग 3 दिन की बात करूं तो 410 केसेस जो है वो 3 दिन में, पिछले 3 दिन में जिला कांगड़ा में आए हैं, तो ये बहुत बड़ी संख्या है, क्योंकि एकदम से ये जो हाइक है हुई है केसेस में, तो इस तरह से जो संक्रमण बढ़ा है, अब लोगों की जिम्मेवारी जो अहम हो जाती है, लोगों को बड़ी सारी रिस्ट्रिक्शंस खुद पे खुद लगानी पड़ेंगी, क्योंकि पिछली बार भी हुआ था तो लोग जो है वो एकदम से जो है वो शहरों से हट गए थे, तो उसी तरीके से लोगों को एक बार सोचना पड़ेगा। मास्क जो है, आपने बिल्कुल सही कहा कि लोगों को समझना होगा, और हिमाचल की जनता समझती भी है, पिछली बार भी कोविड नियम जब बनाए गए थे तो पालन करते हुए लोग नजर आए थे। शुक्रिया अनुप धीमान इस तमाम जानकारी के लिए। विकास।